जेएमएम वाले बोल रहे हैं कि जो बात हमको नहीं पता होता है, मतलब जो अपने लोगों को नहीं पता हो, तो बीजेपी को कैसे पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है, किसको सीएम बनाना है, किसको कांडे विधानसभा से लड़वाना है, ये सब मतलब क्या है? आप लोगों के पास बात पहुंचती कैसे है? अब आपके यहाँ से सूचनाएं लीक होती है तो ये आपका कमजोरी है, ये आप अपना ध्यान रखिए। ईडी को पत्र भी उन्होंने लिखा है, कहा है कि मीडिया ट्रायल कराना आप लोग बंद कर दीजिए, मेरी छवि खराब हो रही है। और कहीं ना कहीं इशारा जो है वो बीजेपी की ओर भी है कि आप लोग भी जो है इस तरीके से है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री आप लोगों को पच नहीं रहा। बीजेपी ने ही आदिवासी मुख्यमंत्री सबसे पहले दिया था, बीजेपी ने ही आदिवासी अलग राज्य झारखंड दिया था। कांग्रेस और आरजेडी लोगों ने तो कहा था कि खरीदा था और लास्ट पे बनेगा। अगर यदि आपको लगता है कि ईडी अपने पद का या अपने बल का दुरुपयोग कर रही है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट आप गए भी थे लेकिन कोर्ट से आपको कोई राहत नहीं मिला। तो स्पष्ट है कि सभी लोग जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो गलत हो जाए और आप सही हो जाए, ये तो नहीं हो सकता है। झारखंड में सियासी सरगर्मी के बीच जो राजनीतिक फेरबदल हो रहा है, उठापटक हो रहा है, उस दौरान कई चीज़ें हैं जो संशय का विषय जिस पर बरकरार है। झारखंड में 31 दिसंबर को एक इस्तीफा आता है और उस इस्तीफे के बाद से जो है राजनीतिक भूचाल एक तरह से कह सकते हैं आप। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हैं और कल जिस तरीके से और इधर एक दो दिनों के अंदर झारखंड में जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है सामने, सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से जो है अटकलों का बाजार तेज़ हो गया है, कई चीज़ें हैं, उसको पहले आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी एक संवैधानिक संकट का व्यवस्था तो पहुँच ही गया है। हम लोग पहले भी कहे हैं कि एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था से टकराने के कगार पर आ गई है और ये संकट खड़ा करने का पूरे जिम्मेवारी राज्य के मुख्यमंत्री जी को है। उनके विरुद्ध सम्मन जारी होता है ईडी का सम्मन और उनको जाकर के अपना जवाब देना होता है, लेकिन वो लगातार उसको खारिज कर रहे हैं और खारिज करने के कारण 6-7 सम्मन उनको जारी कर दिया गया और अल्टीमेटम दे करके जारी किया गया। उसके बाद एक नया परिदृश्य झारखंड की राजनीति में खड़ा होता है जब गांडे के माननीय विधायक सरफराज अहमद जी, जो स्वस्थ भी हैं, सचेतन भी हैं और अच्छे प्रतिनिधि भी हैं, अचानक से उनका इस्तीफा हो जाता है और कयासों के और अटकलों के बाजारें गर्म हो जाती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का नहीं, जो बाजार का है वही विषय आता है कि भाई क्यों खाली कराया गया। तो लोग कहते हैं कि भाई शायद मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगता है कि जो बिहार में है लालू जी का जिस तरह से उन्होंने प्रयोग किया था वो प्रयोग यहाँ भी दोहराया जा सकता है। अच्छा, जेएमएम वाले बोल रहे हैं कि जो बात हमको नहीं पता होता है, मतलब जो अपने लोगों को नहीं पता हो, तो बीजेपी को कैसे पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है, किसको सीएम बनाना है, किसको कांडे विधानसभा से लड़वाना है, ये सब मतलब क्या है? आप लोगों के पास बात पहुँचती कैसे है? कैसे आप लोग जो है प्रवक्ता के रूप में जो है बात करते हैं? ये प्रवक्ता वाला विषय नहीं है और ये कोई गूढ़ रहस्य भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। हम सब लोग राजनीति के क्षेत्र के राजनीतिक कार्य करने वाले लोग हैं और राजनीति के संभावनाओं के सारी दृष्टि पे सबकी नज़र रहती है, कोई भी विश्लेषण करके समझ लेता है। अब आपके यहाँ से सूचनाएं लीक होती है तो ये आपका कमजोरी है, ये आप अपना ध्यान रखिए, अपना जो है चीज़ों को ठीक करिए। जो सूचनाएं अंदर की होती है वो बाहर कैसे आ जाती है, आपके वो जो खेल है वो खेलने से पहले ही लोग कैसे जान जाते हैं, ये तो हमारे लिए नहीं, हमारे ऊपर प्रश्न नहीं है। आप अपने आंतरिक जो संसाधन है, आंतरिक जो सोर्सेज है, उसको ठीक करने का काम करिए। इसे बीजेपी को दोष देकर कोई नहीं हो सकता। फिर एक नया बयान सामने आया कि बाबूलाल मरांडी बोल दिए हैं कि 200 करोड़ रुपया दिया गया है गांडे विधानसभा सरफराज अहमद को, तो मतलब इस तरह का जो बयान है उससे क्या समझा जाए, लोग इसको किस तरीके से ले? 200 करोड़ रुपये में क्या सीट भी लालच दे करके जो है सरफराज अहमद को, मतलब ये इस्तीफा देने के लिए उनको ये किया गया है, आप लोग ऐसा कह रहे हैं? बहुत बड़ा रकम है और आदरणीय बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं तो निश्चित आप भी सहमत है उनकी बात से? 100% मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को इस तरह से चुपचाप, अगर कोई कारण ना हो, अभी तक सरफराज अहमद जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, आप दबाव बना करके हो या प्रलोभन दे करके हो या फिर किसी प्रकार का भविष्य का जो है अच्छे भविष्य का आप सपना दिखा करके हो, आपने यदि किसी को यदि प्रभावित किया है तो गांडे के विधानसभा के रहने वाले तमाम मतदाताओं के लिए दुर्भाग्य। मुख्यमंत्री ने भी तो कह दिया, बयान दिया है कि जो कल्पना सोरेन की जो आप लोग अटकलों का बाजार गर्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से जो है एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्पना सोरेन को तख्तपोशी किया जाएगा या फिर वो अगली सीएम होंगी झारखंड के, तो वो तो खंडन कर रहे हैं इस तरीके की बात से कि ये बीजेपी के कहीं ना कहीं मनगढ़ंत चीज़ें हैं जो वो अपने तरीके से बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सत्ता वही संभाल लेंगे और आने वाला 5 साल पूरा कार्यकाल जो है पूरा करेंगे। खंडन करने के अलावा उनके पास बचता क्या है? अगर यदि आपके चाले फेल हो जाती है, आपके विसाते यदि पहले ही समय से पहले ही लोगों के जो है सामने जो खुल जाती है, तो फिर आपको जो है बैक स्टेप लेने से ज़्यादा और क्या हो सकता है। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं
कि आज गठबंधन दल की बैठक के बाद वो क्या बयान देते हैं। ईडी को पत्र भी उन्होंने लिखा है, कहा है कि मीडिया ट्रायल कराना आप लोग बंद कर दीजिए, मेरी छवि खराब हो रही है। और कहीं ना कहीं इशारा जो है वो बीजेपी की ओर भी है कि आप लोग भी जो है इस तरीके से है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री आप लोगों को पच नहीं रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है जेएमएम की तरफ से सामने आ रही है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं बताइए। झारखंड निर्माण के बाद सभी आदिवासी ही मुख्यमंत्री रहे, एक्सेप्ट खाली 5 साल रघुवरदास जी के। तो जब बीजेपी ने ही आदिवासी मुख्यमंत्री सबसे पहले दिया था, बीजेपी ने ही आदिवासी अलग राज्य झारखंड दिया था, कांग्रेस और आरजेडी लोगों ने तो कहा था कि खरीदा था और लास्ट पे बनेगा, ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो ये जो बयान है वो पूरी तरह से सिर्फ उनका राजनीतिक बयान है, एक जो संवेदनाओं के साथ और भावनाओं के साथ जो खेलते हैं उसी का एक कार्ड उन्होंने फिर से चला है। मेरा ये कहना है कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और उसने अपनी कार्रवाइयाँ की है, उस कार्रवाइयों को आपको फेस करना चाहिए। आप संवैधानिक संस्था के पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, अगर यदि आपको लगता है कि ईडी अपने पद का या अपने बल का दुरुपयोग कर रही है तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट आप गए भी थे लेकिन कोर्ट से आपको कोई राहत नहीं मिला। तो स्पष्ट है कि सभी लोग जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो गलत हो जाएं और आप सही हो जाएं, ये तो नहीं हो सकता है। कोर्ट भी गलत हो जाए, ईडी भी गलत हो जाए और आप सही हो जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता। दो सवाल लेंगे उसके बाद। पहला तो कि आज देखिए सुबह से ही फिर एक बार ईडी का दबिश जो है तेज़ हो गया है, उसको कैसे देख रहे हैं। दूसरा कि विधायक दल का बैठक भी है 4:30 बजे है, सीएम आवास पर महागठबंधन की बैठक चलेगी, किस तरीके से देख हम लोग विधायक दल के बैठक का रिजल्ट ही चाह रहे हैं कि आप बता बयान देते हैं। दूसरा जो संस्थाओं की कार्रवाई है उस पर हम लोग को कुछ नहीं करना, संस्थाएं अपनी कार्रवाई कर रही है। चलिए followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in